हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष। दोस्तों एक नई नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूँ। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन CPCL की तरफ से यहाँ पे अप्रेंटिस की भर्ती आ चुकी है। ITI सभी ट्रेड के लिए, डिप्लोमा ग्रेजुएशन सभी के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग 1 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। नो फीस, नो एक्सपीरियंस, नो इंटरव्यू, नो एग्ज़ाम। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है। तो आप लोग जो है इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए। फॉर्म बिल्कुल फ्री है। 10वीं पास वाले, 12वीं पास या ITI सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ITI के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी रखी गई है। चलिए हम आपको लेके चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। उससे पहले जॉब इंडिया को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। यहाँ पे देख सकते हो 18 अक्टूबर 2020 की यहाँ पे डेट रखी गई है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो है यहाँ पे अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है। काफ़ी अच्छा मौका है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो 24 अलग अलग तरह की पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें फिटर के लिए देख सकते हो, फिटर के लिए रखी गई है, फिटर के लिए 13 वैकेंसी, वेल्डर के लिए 9 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन के लिए 9, MMV के लिए 9 वैकेंसी, मैकेनिस्ट के लिए 5, टर्नर के लिए 5, मैकेनिक के लिए 2 और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 2 और यहाँ पे जो है ड्राफ्टमैन सिविल इंजीनियरिंग के लिए और मैकेनिकल के लिए 4 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, कोपा के लिए 3 और फूड प्रोडक्शन के लिए 2, लेबोरेटरी ऑपरेटर CP के लिए यहाँ पे जो है 10, अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए 10, अकाउंटेंट के लिए 2, बैंक ऑफिस अप्रेंटिस के लिए 17 और मार्केटिंग के लिए और HR के लिए और CS इस तरह से जो है यहाँ पे रखी गई है। स्टोर कीपर के लिए 5, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 5। इस तरह से जो है आप लोग ट्रेड्स वाइज देख सकते हो वैकेंसी। जिसमें हम बात करें तो फिटर में जितने भी वैकेंसी ITI के लिए रखी गई हैं, इसमें 10वीं प्लस ITI वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। फिटर में ITI है तो आप लोग फिटर से अप्लाई कर सकते हो। वेल्डर में ITI है, इलेक्ट्रीशियन में ITI कर रखे हो तो आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं और लेबोरेटरी असिस्टेंट में BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी वाले, इन दोनों के लिए 13 और 14 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए BCom वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 23 नंबर और 24 नंबर स्टोर कीपर, डाटा एंट्री ऑपरेटर में 12वीं पास वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है 18 टू 24 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। इसमें 3 साल की छूट मिलेगी OBC वालों को और SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी यहाँ पे जो है ट्रेड कोड 1 से लेके 12 के बीच में जो कि ITI है, ITI वालों को 8,050 रुपये मिलने वाली है। 13 से लेके 20 9,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 21-22 के लिए 7,000 रुपये और 23 और 24 के लिए यहाँ पे 3,500 रुपये यह मिलने वाली है ट्रेनिंग के समय। देखिए 12 महीने की जो है ट्रेनिंग चलने वाली है। 23 एंड 24 के लिए यहाँ पे जो है आपका 3 महीने का बेसिक ट्रेनिंग होगा और 12 महीने का जॉब ट्रेनिंग होने वाला है। तो 15 महीने का जो है यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाला है। सिलेक्शन की बात की जाए तो मेरिट के बेस पर जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आप लोग जो हैं इस फॉर्म को 1/11/2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म को जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कोई भी जानकारी चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो।